बहुत बड़े तादाद में आते शायद और इस बारिश की गर्मी में सफेद करने पर हम तहसील उनकी सारा बड़ी तहसील को एक बार फिर रहा था। फिर गेम कोई खास फायदा नहीं हो पाया। ये सब जोहाबंज पेंटर ने किया था, ऐसा ही ईगल ने भी किया। पहले पीरियड बॉल पर दोनों टीमों को सिर्फ एक ही की अरेज है। परवर की जानब और गेंद बाउंड्री की तरफ, यहां पर अंपायर का इशारा देखना होगा और गेंद बाउंड्री की बाहर चले गई। चार रन की अंपायर का इशारा देखना में बाकी है। फिर फील्डिंग बराबर करने में मशरूफ है। तीन रन दो गेंदों के बाद एक बार फिर तोड़ते हुए अंत और माजरत चाहते हैं खिलाड़ियों बैट्समैनों से। पांच रन से मजबूत स्कोर। पांच रन से छियानवे की जरूरत है। छियालीस गेंदों पर एक बार फिर रात का राउंड विकेट से दस रन के साथ आए। गेंद की अच्छी गेंद बाहर की जाने जाते हुए इस बॉल को समझने में कामयाब होंगे हुए बैट्समैन गेंद विकेट कीपर के पास। स्कोर हमारे सुपर लीग दूसरे एडिशन का यह मुकाबला। एक रन का टारगेट किया पैंथर्स ने। हमारे सुपर लीग तीसरे एडिशन का यह मुकाबला। एक रन का टारगेट किया पैंथर्स। हमारे सुपर लीग तीसरे सिर्फ द कमेंट्स राशि देने पर पसंद रहा चार गेंदे छह रन बगैर किसी विकेट पर एक और बेहतरीन गेंद गेंद की रन को मिस किया गया विकेट कीपर के पास। और यहां पर इससे बड़ा मैच जोहाबंज पैंथर्स के शायकीन से लिए खबर से कि उसके बाद जो और ताक रहे वो भी देखे वो आपकी मैच से भी बड़ा मैच होगा। जोहाबंज को एक दूसरे से एक दूसरे के मध्य मुकाबले ग्राउंड में मौजूद है और इसके बाद जो बड़ा ताक रहेगा सिर्फ पानखेड़ के दरम्यान रिजन को कट किया। ये क्रिकेट का हौसला होता है जब बारी बारी एक दूसरे के खिलाफ आते हैं तो बहुत बड़े मुकाबले बहुत इंटरेस्ट मुकाबले होते और इसको लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते। आठ रन पहले ओवर के बाद हमारे सुपर लीग दूसरे एडिशन में टॉस हार कर पहले खुद बैटिंग करने वाली टीम ने सौ रन बना के 108 रन का टारगेट दिया था। इसका पीछा करते हुए पहले ओवर में जोहाबंज ईगल ने 8 रन बनाए। उसके दोनों ओपनिंग बैट्समैन हिदायत और सईद से क्रीज पर मौजूद है। सात ओवर में मैच जीतने के लिए 93 रन की जरूरत है। 13 की औसत से हमारे से कर लोग दूसरे एडिशन जितने प्रदेशी भाई देख रहे हैं सारे
परदेशी भाइयों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उसको दारी सुपर लीग का खुशाम दीद भी कहते हैं। वो भी बहुत जज्बे के साथ अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं और सादर से आए गेम की और इस गेम को पूर किया। कमाल की तब्दीली की इस मैच में भी है जोहाबंज पैंथर्स ने और अपने बॉलिंग लाइन को मजबूत बनाने के लिए सादर की खिदमात भी हासिल किया है। पहली बार बेदारी से तरबीज में एक बार फिर दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, एक लगी आउट होने का खतरा, पहला नुकसान और ये आउट। इसके बाद जो और मैच है उसके लिए भी काफी तादाद में जब हम नजर डालते हैं तो काफी तादाद में पकड़ सुल्तान खेर जर्मी के सपोर्टर्स भी आ गए हैं। गेम की लाइन को मिस किया गेम और सऊदी से पहले मैचों में काफी धूम मचा रहा था मगर आज का मैच पता नहीं है, उसको इस आती प्रेशर तो नहीं है इस मैच का और जरूर नहीं होगा उसके ऊपर क्योंकि उसका ताल जोहाबंज से नहीं है और वह ताकत उसके बीच है। प्रेशर जो होगा वह जोहाबंज के खिलाड़ियों के ऊपर होगा। सही तरीके से बल्ले पर नहीं हुए बोल एक रन दिया जवाब कुछ नहीं किया अपनी टीम के लिए इससे पहले मैचों में और ऐसा ही क्या मतलब समझी था उन्होंने भी कुछ नहीं किया था मगर आज बहुत कुछ करके गया अपनी टीम के लिए बड़ा है। आज की यह मैच में 43 रन का इनिंग्स बाद रन है इनिंग्स और क्या पता जवाब भी आज बल्ला चलाए लेफ्ट से बाहर बाल अंपायर का इशारा वाइड दूसरे दिन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन एवरेज आगे बढ़ रहा है। ये मुश्किल में दबाव में रियासत है ईगल को ईगल और पैंथर्स जो जीतेगा आज वो सिकंदर अगली आगेम भी अच्छी गेम की नीचे रहिएगा जाने दिया विकेट कीपर के पास और जब खिलाड़ी पैन में नहीं होता है तो ये होता है कभी वो बॉल विकेट कीपर की जाने जाने देता है कभी भी पैंस करता है कभी एक दो रन का इत्तेफाक करता है मगर आपका प्रेशर इस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब आप खेलकर नहीं चलते हैं। जवाब जीतल की ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल खामोशी जबकि पैंथर की ड्रेसिंग रूम से आवाजें तालियां और शोर आ रही है क्योंकि पैंथर्स का पल्ला अभी तक बारी है। बॉलर नंबर 3 आरिफ शाह आरिफ शाह दौर के शुरान पार के क्रॉस किया पुलटास के सुपूरे तिशाना है आज ऐसे भक्ष पेलने को आसान से एक दूसरे रन ले दो रन में कामयाब ले स्कोर 13 दूसरा ओवर का खेल जारी है। सही रजा बहुत बराबर शो है। हेलो सही रजा यो रन से गया हूं कि अनिप शाह दौड़ के छोड़ा पाई के क्रॉस किया अच्छी गेंद फैंटास्टिक बॉलिंग है अनिप शाह ने शायद जोहाबंज पैंथर और जोहाबंज जीगर के दरमियान ने 12 रन से मजमून स्कोर 1 विकेट के 13 रन से मजमून स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। फैंटास्टिक बॉलिंग है अनिप शाह ने का बॉलर ने अनिप शाह अच्छा ने दौड़ का छोड़ा अंपायर अच्छी गेंद ने कहा अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल स्कोर 14 तीसरा ओवर का खेल जारी है।
और पैंथर के पास यूनाइटेड क्रिकेट क्लब भिवाड़ी का कप्तान मौजूद है और बड़ी बेहतरीन प्लानिंग के साथ उसकी टीम आज क्रिकेट है मेरे ख्याल में उसका कमाल और अपने एक्सपीरियंस को इस बड़े मैच में बेहतरीन अंदाज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। नो बॉल, एक और शॉट अपनी गेंद की और अपीयर भी साउथगेट को। साउथगेट का बल्ला आज मुकम्मल तौर पर खामोश, ऐसा लग रहा है देखेंगे। आज शॉ बॉल को छोड़ा, अंपायर के क्रॉस किया, पुल जा सी चौक में फैंटास्टिक बॉल आ गया ऐसा राज शॉ ने, बिल्कुल जोगाबंज का पैशन की जाते पड़ गया। पैंथर्स और ईगल्स, और आज का दिन पैंथर्स का, क्योंकि बैटिंग में भी उसका पलना बारी, फील्डिंग में भी उसका और बॉलिंग में भी उसका बेहतरीन बल्लेबाज जोगाबंज ईगल के मुकम्मल तौर पर प्लाप नजर आ रही है। एक एक रन के लिए बहुत मुश्किल आज से गुजरना पड़ता है जोगाबंज ईगल के लिए। एक और नो बॉल, नो बॉल ईगल का चांस ने बिल्कुल पार पार में बोलने का, और शायद ने नो बॉल। इसके बाद फखर सुल्तान खेल और सुल्तान खान जलवी के दरमियान टकरा होगा, जोगाबंज एक दूसरे से टकरा गए और सुल्तान खेल एक दूसरे से अब से चंद मिनट बाद टकराएंगे। राजशाह ने दौड़ के शुरू, अच्छी गेंद को बेहतरीन बॉलिंग ने राजशाह राजशाह पार्क क्रॉस किया, अच्छी गेंद, फैंटास्टिक पॉइंट ने राजशाह ने। यहाँ पर अगर जवाब दूसरे पहले की क्रिकेट को देखा जाए, अगर सही तो इस मैच में सबसे ज्यादा जो प्रेशर लिया है वो ईगल ने लिया है। उसकी पेंडर की आसान के और बैटिंग को देखा जाए तो वो ज्यादा प्रेशर दबाव का शिकार है। राजा एक और मोबाइल की काल आई मगर गेंद रन भूल गए थे और बाल को नई पॉइंट आया यहां पर बॉलर में। इस्लाम से भी अपनी सलाहियतों को बरकरार ला रही, हर बॉल के बाद बॉलर के पास पहुंचकर उसको सलाह मशवरे दे रही है और यहां पे एफ ज्यादा भी है, कमाल के खिलाड़ी उसके पास में जोड़े। मेरे ख्याल में जो रैदुल्ला मुखालिफ टीम में है ईगल में, उन्होंने कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। और एक और बार बॉल इंतजार का इशारा वाइड, इसी क्रम के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। राज का अपने ओवर का आखिरी बॉल फेंकने के लिए अंपायर को क्रॉस किया, एक और स्लो गेंद, अंपायर का इशारा, देखना होगा कि गेंद बल्ले से लगी है या पैर से। बल्ले से लगने के बाद गए 19 रन, 5 ओवर 82 रन, ये तो बहुत दूर गया मैच जोगाबंज ईगल से। जो भी जीते 3 ओवर के बाद स्कोर 19 रन एक विकेट के नुकसान पर, जो भी जीते क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, किंतु बहुत ज्यादा तादाद में शौकीन आए हैं उसको महसूस करना होगा। ईगल की बल्लेबाजों के लिए कुछ छक्के जरूर मारने होंगे, क्योंकि यहां पे अगर वो ऐसे ही 6 के एवरेज से रन बनाएंगे तो शायद इस मैच से लुत्फ अंदेज सही तरीके से नहीं होंगे। ईगल का 5 ओवर ने 16.5 के साथ ने वापस जा रहे। पैसाल दल का शोर पार के क्रॉस किया, अच्छी गेंद, अच्छी शॉट ऑफ साइड ने कहा, अच्छी फील्डिंग मिस फील्डिंग ने और का रनआउट का दिया चांस ने, बिल्कुल फैंटास्टिक फील्डिंग का मिस फील्डिंग है। स्कोर 19 4 ओवर का खेल जारी है।
پسال دالگشوران پارک فراس کیا اچھی شاد سفیر دشاد بیٹھا ایک ساتھ پھائیں بکتر لمبے کے ساتھ انچرن پنٹسٹک شاد میں گا جو غابن جی گر سکور 25 چار پر کا کیا جاری ہے اور المل کریے دعا سجنا چھتے جاون ٹھنڈیاں چھاوانے جو بھی ہوئے پیسل دور کا شوران پار کس راج کیا اچھے گین کو بلکل بہترین گوئنگ نے کا پیسل نے زلوی اور پخر سلطان خیر کے کپتانوں کو چاہیے کہ وہ پاس کے لیے کمنٹری باکس کے شریف لائے کمنٹری باکس کے سامنے پاس ہوگی تو سلطان خیم زلوی اور پخر سلطان خیم دونوں کے کپتانوں کو چاہیے کہ وہ کمنٹری باکس پر شریف لائے پاس کے لیے ایچ نبی سلیپر اور ایک ہی رنز بات ہے اسی کرن کے ساتھ کوئی بڑھتا ہے 26 رنز زلوی اور پخر سلطان خیم کے کپتانوں کو چاہیے کہ وہ پاس کے لیے تشریف لائے تھے ان کے پیسل بول کو چھوڑا پار کے گلاس کیا اچھی گین کو پھر ان بولنے کا اپسان میں پار کے شارہ بیٹ بول سکور 27 ایک وکٹ کے نقصان پر چار گول کا کھیل جاری ہے جو غابنج دیگر کا سکس ہوگا 101 رن چاہیے پیسل دور کے شوران پار کے فراس کیا اچھے گین کو بہترین بولنگ ہے پیسل نے چار اوور کا کھیل ختم ہوا سکور 28 ایک وکٹ کے نقصان پر سلیر پہ پنٹس کو باندھی ام دریاو یا منڈی پاتی دی حوصلہ جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا تم ساتھ روح ہوگے تم جو کرو حوصلہ دوران ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ پریشر دباؤ کا شکار بھی اس میچ میں عباد ایزل فیلم کی اچھی گرن اور آج کا یہ چھوٹ کے اگر بات کی جائے اس سے پہلے میچ میں انہوں نے پہلے تین چار ورے پہلے میں اپنی ٹیم کے لیے بہت کام کیا مگر آج اس کا بلہ مکمل طور پر خاموش ایک اور بات گون عباد سلطان خیل سلمی اور پخر سلطان خیل کے کپتانوں کو چاہیے کہ وہ پاس کے لیے تشریف لائے ایک اور بہترین گیم ایک اور بیڈ گیم ایک اور پریشر والا بال جو غابنج جی ایک ایک بال بیٹ ہونے پر 70 رنز یہ کوئی ٹوٹا سمجھ ٹوٹے یہ ٹوٹا سمجھ ہونا ہی نہیں ہے 24 گیندے پر بہت بڑے رنز 22 گیندے 73 رنز جیت جو غابنج جی سے بہت دور اچھی ہے ان کو الیک شاندار پارکل شارہ وائٹ بول سکور 28 پانچ پر کا کھیل جاری ہے پخر سلطان خیل کے کپتان نوت خان اور سلطان خیل سلمی کے کپتان سید اللہ کو چاہیے کہ وہ پاس کے لیے کمنٹری باکس تشریف لائے مینز باقی اچھی گیند اور پارکل شارہ وائٹ بول سکور 29 عباد نے دور کا شوران پائے کی کراس کیا اچھی شاٹ بہترین چکا بہترین شاٹ نے 100 میٹر لمبے کے ساتھ انچ رن اور ساتھ ہی امپائر کا اشارہ کہ یہ نو بال 7 رن زائد کل ملا کر
فوراً شو؟ 36 36 36 36 36 36 क्राउड में कुछ जान तो आ गई है और क्रिकेट भी थोड़ा सा बेहतर बनेगा यहां पे इस लोग जिस ज्यादा लोग इसलिए नहीं आए कि कौन जीते वे इसलिए आए कि बेहतर क्रिकेट है जोर हम देखे शायद टीम को मिस करने के लिए वो तो हर बाल पे छक्का चाहते हैं शायद टीम और जब दो तीन ओवर में छक्का नहीं आते तो ये अच्छी बात नहीं आती और एक बार फिर नो बॉल क्योंकि ऑलरेडी एक शॉट बॉल आया था इस ओवर में एक और पास के लिए दो कप्तान यहां पर मौजूद है मगर ये पास तीन गेंद बाद होगी यहां पर एक और टकराव के लिए दो कप्तान अपने अपने क्रीज में और ऑलरेडी इसके चेहरे से ये मालूम होता है कि दोनों टीमों पर इस मैच का बहुत बड़ा प्रेशर है इलाका सिदुल्ला देखो रशा Balpin number. Now, what is the challenge? कैच पकड़ना कैच के लिए काल करना फिर शो करना अगर पहले से कुछ छक्के आते तो और अब 47 रन 19 गेंद में क्रिकेट बदल गई और क्रिकेट इसको कहते मैंने कहा सपोर्ट में बड़ा जोश फिर उसके साथ है स्कोर एक टॉवल लगा मन मैच के जदियों टीम खूब दे वन टूर्नामेंट के लिए स्ट्रांग टीम दे फिर जदियों बदकिस्मती दा चिन्ह चलेगी जी من میچ کې وستا سو خلاف و چلی دي کنه تاسو سو مدل منګه په کوشش کوم چې دز یو ساده دغه ته پرېنه دی الحمدلله چې زړه زړه وټ کو بیا هم لکه آسان به نه غنو د زلمی کې په نوبرا سره وتر 75 رن ان شاء الله دنه دنه بمګ هغه په 70 75 کې تاسو را مونږ کوي نو دا هو دا یو انعام چې من به دی او تاسو په 60 رن باندې وټ کو تاسو به دغه خبرې سره اتفاق کوئ نو هغه دې موږ سره پرېښه نشه هغه باندې ګټ پرېښه और अब कप्तान आया है इस कप्तान की चोर साबिर हुसैन आए गेंद करी गेंद पर के स्टेप बाउंड्री की जारी वहां पर टीमर ने भी एक रन लिया इसे दिन के साथ स्कोर बढ़ता था 63 रन और यहां पर अगर बात की जाए ईगल के सामने पैंथर्स की क्राउड से अब से आवाज में शोर शोर और 38 रन कप्तान सामना करेंगे साबिर हुसैन का यार पर लिंग गेम गेम की लाइन को मिस किया और ये मुकाबला ऐसी आवाजें आ रही है जैसे जोहाबंज पैंथर्स फाइनल जीत रहा है पहली का ताज से कि दोनों टीमों के लिए फाइनल से साफिर दल का शुरान पार के क्लास क्या अच्छी शॉट ने बेहतरीन शॉट ने एक शॉट ने आसानों से एक रन है आज का स्कोर पैंथर्स के फैंस क्रीम खड़े हो गए अपनी टीम को सपोर्ट और इसके लिए शोर मचा रहे हैं दूसरी जानी खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा
जोश और जज्बे के साथ एक गेम बाकी है इस ओवर में और मजबूत स्कोर है कौन सा 13 गेंदे 37 रन इस काम से एक बार फिर बॉलर के पास सलाम खड़ा देने के बाद अपनी प्रदर्शन पर सादी हुसैन आए गेंद की ओर स्टंप पर कैच और बॉल की तरफ और इसमें दो ही रन देने के बाद इस गेम के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 गेंदे 66 12 गेंदे 33 रन और यहां पे शोर यहां पे बहुत शब्दे में पेंटर्स के शायकीन और ये बात की तरह जो अगले को बॉलर आकर यहां पे 33 रन देता है तो जोहाबंज ईगल जीत सकता है और अब पानी आ गए यकीनन ये जो कुछ हो रहा है आज ग्राउंड में ये बारिश सुपर लीग दूसरे एडिशन की बहुत बड़ी जीत है 16 रन की 85 रन से मजबूत स्कोर 85 रन से अभी तक मजबूत स्कोर 16 रन 7 गेंद पादरी का 7 गेंद कप्तान ने आते ही धूम मचाई है कप्तान ने मुकाबला कप्तान आए गेंद की एज लगी विकेट कीपर की जानिब 1 रन के लिए और अब 6 गेंद के 15 रन प्रेशर का दबाव का मरहला है ये मुकाबला बड़ा मुकाबला वाड़ी सुपर लीग दूसरे एडिशन को काटला शोर आवाज है जोहाबंज पैंथर्स की ड्रेसिंग रूम से बहुत शोर यहां पर और वाड़ी में यहां पर बहुत बड़ा मुकाबला जारी है बड़ा मैच बड़ा मुकाबला और यहां पर दार से भी बहुत जज्बा है जो लोग बाहर से भी मैच देख रहे वो भी काफी जज्बे से सरशार है टर्निंग में तब्दीली हुई है और टर्निंग की टीमर को डीप मिड विकेट की पोजीशन भी तलाश किया है कप्तान ने हर बार और अब हनी का सामना करेंगे जमाल का दो जोहाबंज के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने दौड़ते हुए राइट बॉल अब सबसे काफी बाहर और पहले बॉल पर जोहाबंज पैंथर की ड्रेसिंग रूम में शोर और अब ईगल की ड्रेसिंग रूम से शोर का समा ये मुकाबला यहां पर ये मैच यहां पर मलवी का महीना वाड़ी सुपर लीग में बड़ा साबित होने वाले क्योंकि और भी बड़े मुकाबले हैं एक और मुकाबले की जिक्र करना होगा जुमे को पखरी वाड़ी और पल टीम एक बड़े चैलेंज मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगे पल टीम और अब दौड़ते हुए जमाल करके कह रहे और फिर रख सकता है देखिए जो हम बेहतरीन शॉट बेहतरीन शॉट ने गानू शाह ने बिल्कुल कहा 7 रन चाहिए शॉट ने भी बाकी है बिल्कुल कहा दोनों देने का सेलिब्रेशन खबर जाए इसके बाद जमारी सुपर लीग का वाइड मुकाबला नहीं है आपसे 6 मिनट बाद सुल्तान खेल तक आएंगे और फिर वारी के दो टीम है पखरी वारी और पल टीम झूले को एक दूसरे को फेयर करने के लिए मैदान में उतरेगी बड़ी नाम बड़े खिलाड़ी अच्छी गेंद वापसी हुई है मैच में जोहाबंज पैंथर्स का दौड़ते इस बॉल को एक बार फिर जोहाबंज पैंथर्स की ड्रेसिंग रूम में खुशी 3 गेंद 8 रन इस मैच को जीतने के लिए और इस बार दौड़ते हुए जमाल अंबार को क्रॉस किया बेहतरीन छक्का और लाइन जोहाबंज सीगल की तरफ देखा जाए जोहाबंज पैंथर्स की शौकी और खिलाड़ियों ने अपने कंधों पर ये मैच कहां से कहां पहुंच गया 24 गेंदे 73 रन अब 2 गेंदे 2 रन और अमित शाह ने हर दम भारत अपनी कप्तानी का हक अदा किया कप्तान का लीडर का कैद का जो हक होता है उन्होंने अदा किया आज की मैच में शेर बना हुआ है पैंथर्स के खिलाफ
पानी तुम अपनी टीम को कामयाबी दिलाने के लिए एक और चक्का